चलो ओके चो गुड आफ्टरनून सेल्फ सी विजय साडा एंड विथ मी सी ए रिश्भ जैंत सर वी आर हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड देन स्टार्ट विद the इकोनॉमिक्स टॉपिक येस ऑर नो राइट तो शुरुआत से ही सबसे पहले बता दूँ अपने से बहुत सारे लोग हमको ऑलरेडी जानते हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते सब्जेक्ट के बारे में हम सबसे पहले आपको कुछ एक्सप्लेन कर दें क्योंकि जो सबसे बड़े चेंजेज आए हैं वो इसी सब्जेक्ट के अंदर में आए हैं तो सर क्या हमने ये फास्ट ट्रैक करना चाहिए क्या माइक्रो और माइक्रो में क्या चेंजेज आए हैं और अब इस सब्जेक्ट का अप्रोच किस तरीके से बदल जाएगा वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है यू ऑल नो अगर हम न्यू पेपर की बात करें मैक माइक्रो प्लस मैक्रो ऐसे दो टॉपिक है दिस इज पेपर नंबर थ्री और फोर यस दिस विल बी पेपर नंबर फोर राइट व्हिच विल बी डिवाइडेड इनटू इन टोटल टेन टॉपिक्स राइट जिसमें से पांच माइक्रो के हैं पांच मैक्रो के हैं मैक्रो के बारे में आपको सर पूरा डिटेल के अंदर में समझाएंगे माइक्रो के अंदर में आज सच क्या चेंजेस आया है अंडरस्टैंड कीजिएगा माइक्रो के अंदर में स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि जो जैसा था वो वैसा तो रखा ही गया है लेकिन बहुत सारे टॉपिक तो आपको थोड़े से चेंज किए गए अगर हम मॉड्यूल की भी बात करें तो उसके जो क्वेश्चन है वो चेंज किए गए पहले से बाकी मोटे मोटे तौर के ऊपर कंसेप्ट जो है वो उसी तरीके से है तो क्या हम करेंगे इस पूरे सेशन के अंदर में सबसे पहले सेप्ट बिल्डिंग करेंगे मोर एंड मोर एंड मोर उसके क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि जहां तक के मेरे को लगता है आप अगर ट्वेल्थ की बात करें तो आपने एक बार माइक्रो का पार्ट पढ़ा है फिर फाउंडेशन को लेकर के आपने माइक्रो का पार्ट एक बार ऑलरेडी पढ़ा है राइट तो मुझे जो लगता है कि भैया आपको एक जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो होगा कि हम कंसेप्ट बिल्डिंग के से ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर पर भी फोकस करें कंसेप्ट उस पॉइंट पे रहें जिस पॉइंट पे एग्जाम ओरियंटेड अप्रोच होगा यह पहला पॉइंट है बराबर है कि नहीं दूसरा पॉइंट जो है उसका और ज्यादा प्रैक्टिस क्योंकि अब तक शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग बनता है नो yes राधर no? आप लोग के जितने स्कोर हैं उनमें एक बहुत बेहतर स्कोर इकोनॉमिक्स का आया होगा तो वो एक बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बनता है राइट right? अब उसका मैक्रो अप्रोच किस तरीके से होगा और मैक्रो अप्रोच वर्क किस तरीके से करेगा वो आपको एक बार सर बता देंगे हम सबसे पहले माइक्रो लेंगे माइक्रो कंप्लीट करेंगे और माइक्रो के बाद ही मैक्रो करेंगे बिकॉज देयर विल बी मेनी ऑफ द कंसेप्ट जो यहां से वहां यूज हो जाए ये नो लीजिए हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन तो बच्चों देखो सबसे पहला चीज तो यू आर अवेयर दैट वी यूज टू हैव बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बीसीके इन द ओल्ड सिलेबस दैट इज गॉन नाउ नाउ फॉर सम ऑफ यू इट वाज स्कोरिंग फॉर सम ऑफ यू इट वाज डेंजरस आल्सो चैप्टर नंबर सिक्स में बहुत डेफिनेशन हुआ करते थे नाउ इफ यू आस्क मी पांच नए चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं एंड दे आर इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस करके एक सब्जेक्ट था यू रिमेंबर हमने आपको लास्ट शायद लास्ट बैच में बताया भी था वेन द लास्ट बैच वॉज अबाउट टू गेट ओवर वी आर टोल्ड यू दैट आईसीआई ने जो नया सिलेबस प्रपोज किया है इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में एक सब्जेक्ट हुआ करता था दैट कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस ई एफ एफ करके सब्जेक्ट था उन्होंने वो सब्जेक्ट को वहां से डिलीट कर दिया है एंड वो सब्जेक्ट को एज इट इज आपके लिए फाउंडेशन में इंक्लूड कर दिया है मतलब लिटरली चार चार चैप्टर थे, वो किए, अब आपके सिलेबस में मैक्रो इंक्लूड कर अगर दोनों को जो इंटरमीडिएट तो उन्होंने श्रिंक करने का ट्राई किया है ये करते कि फाउंडेशन का बच्चा है क्या वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा मैं आपको डराना नहीं चाहता शेयर करता हूं जनरली इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ाते थे एज अ लास्ट सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट मतलब आपका इंटरमीजिएट ग्रुप वन खत्म होता था ग्रुप टू के अंदर ऑडिटिंग शुरू हो जाता था एफ एम खत्म हो जाता था एंड वन योर वॉज इकोनॉमिक्स और फाइनेंस अब वो सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन में पढ़ाया जाएगा एक अच्छा चीज है एम सी क्यू है लाइक द गुड थिंग अबाउट बीसी के बुरा चीज क्या है बहुत डिटेल में है मतलब ऑनेस्टली इट्स इन एक्सट्रीम एक्सट्रीम डिटेल वो वो ऑब्वियसली ऐसा है उसे बहुत कट शॉर्ट किया ही नहीं जा सकता है द रीजन बीइंग एक बात समझिए अगर मैं आपको एफडीआई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना शुरू करूं तो एफडीआई क्या होता है एफडीआई का रिलेवेंस इंडिया में क्या है एफडीआई ग्लोबली कैसे वर्क करता है इंडिया एफडीआई के इनवर्ड में ज्यादा बिलीव करता है आउटवर्ड में बिलीव करता है एग्जाम्पल्स क्या है मतलब अब जब तक उसे कंप्लीट डिस्कशन नहीं करेंगे आपको वो कॉन्सेप्ट का पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकता है तो देखो अगर आप चैप्टर को डायरेक्टली देखने के लिए जाओगे ऑब्वियसली यू विल गेट स्केर्ड बट वी विल हैव अ वेरी लॉजिकल अप्रोच जो फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है पहले एक चैप्टर नंबर टेन है जो बहुत बेसिकस है वहां से शुरुआत करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको याद है थोड़ा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक पॉलिसीज आएगा मतलब जो थोड़ा बहुत बीसीके में पड़ा था ना वो रिविजिट होगा एक चैप्टर में दैट बेस विल बिल्ड एंड देन विल गो टूवर्ड्स नेशनल इनकम देन स्लोली विल गो टूवर्ड्स मनी मार्केट क्या होता है फिर करेंसी मार्केट क्या होता है स्लोली स्लोली उसे बिल्ड करेंगे अगर आप में से कुछ बच्चे ट्वेल्थ में या इलेवेंथ में सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से होंगे तो उन्हें जरूर कुछ चैप्टर्स बहुत यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेंगे बिकॉज बहुत सारा वहां से सिलेबस कनेक्टेड है आपका स्टेट बोर्ड में भी थोड़ा बहुत नेशनल इनकम वगैरह हुआ करता था इकोनॉमिक्स के अंदर बट वो बहुत बेसिक लेवल का मतलब किनिजियन थियरी वगैरह इतना डिटेल के अंदर इन नॉर्मली ट्वेल्थ नहीं पढ़ाया जाता है इंडिया में जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अच्छा चीज अभी भी है स्कोरिंग डेफिनेटली रहेगा बिकॉज एमसीक्यू है वापस से अगर ये एक्चुअली में जैसा इंटरमीडिएट में सॉल्विंग का पेपर हुआ करता था इफ इट वुड हैव बीन दैट फाउंडेशन में थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता बट वैसा नहीं है दैट इज वन एडवांटेज वॉट वी है थोड़ा एक काम कीजिएगा उसका स्ट्रेस साइड में कर दो आई कैन प्रोमिस यू वन थिंग हमको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा वी मे हैव टू डिवोट

I would want आपके लिए ये अटेम्प्ट होना चाहिए आपने चाहिए आपने खत्म करना यू शुड मूव ऑन फ्रॉम हियर एंड ऑब्वियसली नॉलेज के हिसाब से भी सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए सब्जेक्ट है बहुत बढ़िया फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू होने की वजह से हमें जरूर फायदा मिलेगा मोस्टली आई थिंक सर आप फिफ्टीन ट्वेंटी मार्च तक कंप्लीट करेंगे ना माइक्रो ऐसा मेरे सबसे माइक्रो विल गेट ओवर बाई फिफ्टी और मार्च जैसे वो खत्म हो जाएगा ऐसा मेरे को लगता है उसके बाद इमिजिएटली हम माइक्रो शुरू कर देंगे उसमें से एक बहुत आसान है चार चैप्टर में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा बट द अप्रोच विल बी एप्सोल्यूटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैड इन बीसीके बीसीके वॉज लाइक योर ओसीएम का थोड़ा बड़ा वर्जन यू गैट माई पॉइंट बट इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टूगेदर थोड़ा आपको ओपन माइंड लेकर के आना पड़ेगा

हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद अभी ऑनलाइन देख रहे होंगे क्लास में आने से हिचकिचा रहे होंगे या डर रहे होंगे या मैं कैसे फेस करूं टीचर्स को ऐसा हो रहा होगा ठीक है सबसे पहली बात रिलैक्स मैं आपको पहले ही स्टेटमेंट में आराम से कह दूं फेल होना गुना नहीं है इट जस्ट दैट हमने कोई क्राइम नहीं किया ठीक है हमने कोई क्राइम नहीं किया फेल होना गुना नहीं है पहली बात जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन अच्छा है इट इज जस्ट एन एग्जाम एंड नॉट एन एंड टू योर ड्रीम्स ये बात तो क्लियर है कि नहीं ठीक है अब मैं इसे वेल सेइंग दैट मैं इसे ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके लिए क्योंकि अपने को खुद को लगे है अपने को खुद को अटेम्प्ट लगे हैं तो मैं इस बात को तो ज्यादा बेहतर समझ सकता हूं तुमको अभी पहला झटका लगा है मैं इस सेम मतलब जिसने तुम्हें दर्द दिया उसने मुझे भी दिया है तुम्हें अब तक एक ही बार दिया है मुझे तो तीन बार दे चुका है समझ में आ रही है बात बट हैविंग सेट दैट तुमको एक बार झटका लगा या मेरे को तीन बार झटका लगा हम दोनों का दर्द जो है वो एक ही जन से आ रहा है समझ रहे हो ना जिसने हमारे साथ बेवफाई की उसने ही तुम्हारे साथ बेवफाई की ये सब ठीक है बट मुझे एक बात बताओ आज जब हम पलट करके चीज़ों को देखते हैं क्या हम उसे ऐसे देखते हैं क्या कि भैया अटैम्प्ट लग गया तो आदमी बेकार हो गया आपके हिसाब से अच्छा अटैम्प्ट लगा हुआ आदमी सक्सेसफुल नहीं होता ऐसा नहीं ना परफेक्ट ऐसा तो नहीं होता ना हाँ मतलब फिर हम कहाँ गिनती में आते थे ऐसा वाला गाँव यू नो सिचुएशन हो जाता था बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिलीव मी वन थिंग द मोमेंट आपके नाम के आगे ये वर्ड लगेंगे ना सी ए सी एस सी ए में जो भी आप कर रहे हैं अकॉर्डिंगली कोई पूछने नहीं आता कितने अटेम्प्ट लगे वेल well, जेन्युनली हम सीधी सीधी बात करते हैं जब हम लिखते हैं ना यू नो जब हम किसी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करते हैं लेट से हमने साइन की विजय सार्डा और इसके आगे जब लिखा होता है सी तो इसमें यह नहीं दिखता कि नंबर ऑफ एंडम कितने बराबर है कि नहीं है इसमें यह नहीं दिखता लोग कभी भी आपको आपके स्किल पे जज करेंगे इस बात पे नहीं कि आप पास हुए और फेल हुए एंड कम ऑन आप एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के अंदर में इट इज

समझ में आ रही है बात तो इस बात को है ना पहले एक बर्डन निकाल के बाजू रखो हाँ मैं फेल हो गया मैं कैसे फेल हो सकता हूं इट्स ओके इट्स कंप्लीटली नॉर्मल विद दिस कोर्स समझ में आई बात लेकिन इससे जो सीखने को मिला ना वो ये कि किसी भी चीज को हल्काई में नहीं लेना है हम जितना आसानी से समझ रहे थे कि अच्छा हाँ यार ये तो समझता है अरे यार ये तो आता है अरे यार ये तो हो ही जाएगा पेपर में जाके आपको समझ में आता है कि जो चीज आपको बहुत ऑब्वियसली लग रही थी वो इतनी भी ऑब्वियस नहीं थी जितनी ऑब्वियस तुम्हें लग रही थी हाँ यहाँ हाँ बराबर है ही नहीं तो पहला आज क्या बदलना चाहिए मेरे हिसाब से आज आपने क्या बदलना चाहिए सबसे पहले आज आपने अप्रोच बदलनी चाहिए आज से पहले क्या बदलना चाहिए अप्रोच बदलनी चाहिए एक छोटे से स्टोरी से मैं बताना चाहूंगा आपको किस तरीके से वर्कआउट होता है आपने कभी सुना होगा साइकिलिंग का एक रेस होता है टूरे दे फ्रांस मालूम है आपको साइकिलिंग का एक रेस होता है टूरे दे फ्रांस कई बार हमें बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है अब टूरे दे फ्रांस हर बार क्या करता था यूरोप जीतता था दो साल हुए हार गया तीन साल हुए हार गया चार साल हुए हार गया सब परेशान हो गए यार जो रेस को हम हमेशा जीतते आएँ आपके इसमें पूरा स्कूलिंग जिस रेस को हम हमेशा से जीतते आएँ हम अचानक आ उसमें फेल क्यों होते जा रहे हैं एनालिसिस के लिए एक बंदे को बुलाया गया वो बंदा आया बंदा आकर के क्या करता है बंदा आकर के सब सारी चीज़ें देखता है ऊपर से नीचे तक गाड़ी को एनालाइज करता है कौन चला रहा है उसको एनालाइज करता है दो दिन कुछ नहीं बोलता तीन दिन कुछ नहीं बोलता छः दिन कुछ नहीं बोलता छः दिन बाद सब परेशान हो जाते बोले आदमी कुछ बोलने के लिए आया कि पैसे ही लेने आए तब जा कर के वो साइकिल के अंदर में कुछ चेंजेस कर देता अब साइकिल के अंदर में चेंजेस कर दिया फिर रेस हुई रेस के अंदर में यूरोप जीत गया सब लोग जाके पूछे भैया हुआ क्या है ये चमत्कार तुमने किया कैसे बोला तो तुमने कुछ नहीं बट फिर भी ये काम तुमने कर दिया उन्होंने बोला मैंने रेस नहीं बदली मैंने ट्रैक नहीं बदला मैंने सिर्फ उसको करने का अप्रोच बदला मैंने देखा साइकिल की जो सीट थी वो थोड़ी सी हाई थी मैंने जो चला रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दी पैडलिंग को उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया शूज को उसके हिसाब से चेंज कर दिया और बस मैंने इतने से कस्टमाइज चेंज किए हम क्या सीख सकते हैं इस पूरे स्टोरी से दो बातें पॉइंट नंबर वन कि रेस ही नहीं करना ये तो गलत हो जाएगा समझ आ रही है बात दोबारा से रेस ना करना गलत हो जाएगा और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब जब रेस चालू हुई है वापस से तो क्यों ना उसे नए तरीके से किया जाए रेस नहीं बदलना है रेस करने के तरीके को बदलना है समझ तो गलतियां की होगी पहली गलती आप सबके हिसाब से आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा जरूर सर लिखा नहीं मतलब लिख के सॉल्व नहीं किया डू यू अग्री यस जैसे लॉ हुआ लिख के सॉल्व करना चाहिए था अकाउंट हुआ लिख के सॉल्व करना चाहिए था इकोनॉमिक्स में आपको उतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन भी बड़े सीधे थे और आपके कंसेप्ट भी लगभग बहुत सीधे थे यस तो बाकी दो सब्जेक्ट के अंदर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ी कुछ के मैथ्स में लग गए बराबर है क्यों हुए होंगे या तो फॉर्मूला याद नहीं आया या तो फॉर्मूला को जो सॉल्व किया वो गलती से सॉल्व किया यानी ले दे कि हम के हम सबके साथ एक ही तकलीफ है वो क्या वो है प्रैक्टिस इस बात को तो अग्री करोगे तो मोर एंड मोर हमको क्या करना है प्रैक्टिस करना है सर कहां से करें दूसरा सवाल एक हम लोग जो बुक्स देंगे उसमें से आप लोग करोगे क्योंकि जो पास हुए वो भी हमारे यहाँ से थे जो फेल हुए वो भी हमारे यहाँ से होंगे बराबर है तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया होगा दे मस्ट हैव डन प्रैक्टिस रादर वन के जगह टू टाइम्स तो एक श्योर कर लेना अकाउंट्स हो मैथ्स हो या लॉ हो इसकी तुमको प्रैक्टिस भरपूर करनी है और इको में जितने एमसीक्यू हो सकते हैं उतने से ज्यादा सॉल्व करना है यह हुआ पहला चीज दूसरा चीज आपके साथ क्या हुई है दोस्त दुनियादारी यारी हुई है कि नहीं हुई है हाँ या ना दोस्त दुनियादारी यारी उसका भी प्रॉब्लम मेरा ही प्रॉब्लम मेरा भी प्रॉब्लम उसका ही प्रॉब्लम उसके इशू मेरे इशू अरे भाई यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऐसा अगले चार महीने के लिए कि भैया मेरा ही प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है किसी और का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है तो दिस इज द फर्स्ट माइंड सेट विच यू नीड टू अडॉप्ट राइट क्योंकि क्या होता है वो तो कहीं ना कहीं पहुंच गया आगे वो थर्ड फ्लोर पे बैठा है अब और अपन इधर है जबकि हम जानते हैं हमारे अंदर की कैपेबिलिटी ज्यादा है उससे समझ आ रही है बात तो ये एक सिचुएशन है तीसरा है एक ही चीज को एनालाइज करना मतलब आज ही आपने क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने भी जब फेल हुआ और मल्टीपल टाइम हुआ तो पहले समझा कि गड़बड़ कहा हो रही है राइट right? तो मैंने क्या किया अगर आज आप ये कर सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा जैसे अकाउंट्स मैंने लिखा ठीक है या मैं फॉर दैट मैटर समझता हूं इको ठीक है ईको के अंदर में अगर हम डिवाइड करें माइक्रो के अंदर में पांच टॉपिक बन रहे हैं, और मैक्रो के अंदर में कितने टॉपिक बन रहे है पांच चलो मैक्रो तो ऑल टुगेदर न्यू है ठीक है पर बाकी सब्जेक्ट तो आपके लगभग लगभग सेम ही है अब हमने क्या करना चाहिए सबसे पहले एक एनालिसिस करना चाहिए छोटा सा जो ऑलमोस्ट हर बुक से मिल जाएगा माइक्रो के पांच टॉपिक में से से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते आते हैं वो दो और से आते हैं वो और सॉरी दो और चार से आते हैं यानी अगर मैं इसका एबीसी एनालिसिस करूं तो मैं ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स को रखूंगा टू और फोर के अंदर में मैं बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स को रखूंगा थ्री एंड फाइव के अंदर में और मैं सी कैटेगरी में रखूंगा वन को अब हम लोग बेसिक गलती क्या करते हैं हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू करते हैं वापस से चालू करते हैं चैप्टर नंबर वन से टेक्निकली वो थर्ड कैटेगरी का टॉपिक है जो फर्स्ट कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो तो आपको अप्रोच अगर चेंज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले वो टॉपिक उठाने पड़ेंगे जिसमें से मार्क्स खींच के आते हैं अब इससे दो फायदे होंगे अगर आपने पहले ही बड़े टॉपिक उठा लिए या पहले ही वो टॉपिक उठाए जो आप सेल्फ स्टडी के टाइम पे इन लोगों को यूज कर सकोगे एक बहुत बड़ा बर्डन भी बाजू हो जाएगा क्योंकि ये वो टॉपिक होंगे जो बड़े हैं तो बहुत बड़ा बर्डन बाजू हो जाएगा दूसरा जो आपके साथ फायदा होगा वो ये हो जाएगा कि आपको एक लिटिल कॉन्फिडेंस डेवलप होना चालू हो जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर में तो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का आपको एबीसी एनालिसिस करना चाहिए एबीसी एनालिसिस लॉजिकली टीचर खुद बता देगा नहीं बताया तो अपन ने खुद ने बैठ करके आज ये करना है एग्जाम से पहले वी हैव मेक हमारा क्या क्या हो जाना चाहिए भैया हमारा कंटेंट तो पूरा होना ही चाहिए वी हैव टू मेक श्योर आर टी पी प्लस एम टी पी होना चाहिए वो भी एटलीस्ट दो एटलीस्ट दो आर टी पी एटलीस्ट दो एम टी पी अगर हमको सॉल्व करना है इसके बगैर जाना ही नहीं है ये हमारा अप्रोच होना चाहिए ये yes नो राइट right? ये अगर आप नहीं करते तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है इज दैट डन राइट चलिए तो अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं इकोनॉमिक सबसे पहले हम चालू करेंगे बेसिक से मेरी बात समझना हम चालू करेंगे सबसे पहले बेसिक से वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आते अप्रोच मैं आपको बताता हूं अब थोड़ा सा बदल जाएगा जिस कंटेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हम वहां बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और जहां नहीं आता वहां बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे ठीक है सबसे पहली बात हम माइक्रो के अंदर में कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर माइक्रो के अंदर में पांच टॉपिक पढ़ने वाले हैं ठीक है रजिस्टर लाया है आप लोगों ने आज बेसिक से चालू करना है प्लीज रजिस्टर निकालो फटाफट बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स चालू करो यस एक और बात समझना कई बार आप बहुत अलग अलग सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं जैसे आप में से कई लोग देखेंगे आज ये है मैं आपको बता दू बिल्कुल दो दिन पहले मेरे घर पर डेथ हुई है और सारी चीज अभी वही सिचुएशन में है बट स्टिल आई एम ह्योर क्योंकि आज आपका फास्ट ट्रैक चालू होने वाला था समटाइम्स यू हैव टू टेक अ वेरी डिफिकल्ट कॉल्स विच इंक्लूड्स सिलेक्टिंग बिटवीन द टू ऑप्शन जिसमें से दोनों को आप नहीं छोड़ सकते मुझे ये फील हुआ कि नहीं यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भगवान ने अपने पास ले ली एक जो मेरे पास छोड़ी है मैं उसको फॉलो करूं सो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट हमने अर्जेंट सिलेक्ट किया और इंपॉर्टेंट को छोड़ना नहीं है ये बात समझ में आ रही है तो आप भी मेरे जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में पढ़ सकते हैं बट ठीक है इट्स टाइम कि जब सिस्टम टर्बुलेंट हो आप थोड़े से शांत हो जाओ समझ में आ रही बात चलो बेटा माइक्रो के अंदर में कितने चैप्टर है पांच अगर मैं देखूँ इन पांच टॉपिक को किस तरह से डिवाइड किया है प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा सबसे पहले आपका आता है चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर वन ध्यान से सुनिएगा चैप्टर नंबर वन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेनली हमारे पास कितने यूनिट आते हैं दो यूनिट्स। मेनली हमारे पास इसके अंदर में कितने यूनिट है बोले जल्दी से दो यूनिट्स। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू इसके अंदर में कितने यूनिट आपके तीन ये तीन यूनिट पहला है कंज्यूमर दूसरा है डिमांड और तीसरा है सप्लाई बराबर आपका तीसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर थ्री इज इस कॉस्ट इसके अंदर भी आपके कितने यूनिट है तीन फिर आता है आपका वैसे इसके अंदर में आप दो यूनिट लिखोगे तो भी चलेगा हम मेजर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको फिर चैप्टर नंबर फोर की अगर मैं बात करूं तो अगेन आपके तीन यूनिट है मार्केट प्राइस एंड डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट और फिर आता है आपका चैप्टर नंबर फाइव जिसके अंदर में कुल मिला के एक यूनिट है बराबर अगर मैं एबीसी एनालिसिस बनाऊ सबसे पहले चैप्टर नंबर टू इज माई ए कैटेगरी चैप्टर नंबर फोर इज माई ए कैटेगरी उसके बाद में चैप्टर नंबर थ्री इज द बी कैटेगरी चैप्टर नंबर फाइव इज द बी कैटेगरी एंड चैप्टर नंबर वन इज द सी कैटेगरी मतलब आपके जो मेजर मार्क्स डिवीज़न होंगे वो सर अब मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे क्योंकि माइक्रो और मैक्रो में क्लियर फिफ्टी फिफ्टी डिवीज़न नहीं है समझ में आ रही बात अगर आप मॉड्यूल ओपन करके देखेंगे देर इज नो क्लियर फिफ्टी फिफ्टी डिविजन सब्जेक्ट प्योरली अलग है मतलब मैं आपको बताऊं माइक्रो जिस अप्रोच से आप पकड़ोगे और मैक्रो जिस अप्रोच से पढ़ोगे ये टोटली अलग है क्योंकि तो, उस तो ऐसा तुमको फीलिंग में आएगा माइक्रो पढ़ते अरे, अरे यार ये तो पता है अपने को क्योंकि तुम इसको लॉजिकली दो बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस बार बस अप्रोच बदलना है उस चीज को पढ़ने का समझ बात जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर एक से दो बार फोकस करना है राइट अब सर मार्क्स का डिवीजन कैसा है दस चैप्टर इक्वल वेटेज के साथ दस मार्क ईच दस मार्क ईच अब तक ऐसा होता था अगर मैं सिर्फ माइक्रो के पचास की बात करूं तो मैं आपको बता दू लगभग लगभग इसमें से दस से पंद्रह परसेंट का पेपर आता था इसमें से दस से पंद्रह परसेंट का पेपर आता था और बचे हुए तीन में से राइट वो इन टोटल ट्वेंटी मार्क्स को डिवाइड कर देते थे तो पंद्रह पंद्रह लगभग तीस और बचे हुए बीस को इन तीन चैप्टर के अंदर में डिवाइड कर देते थे, थे इस तरीके का फॉर्मेट वो हुआ करता था अब मैक्रो भी आने की वजह से क्या हो गया इक्वल डिविजन हो जाएंगे लगभग हर टॉपिक के बराबर है अब बस ऐसा हो सकता है कि जहां ये पंद्रह पंद्रह मार्क के पूछ रहे थे हो सकता है उसको बारह मार्क पे लेके आ जाए और मैक्रो के पोर्शन से ज्यादा पूछ दे तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि सिर्फ मैक्रो का क्वेश्चन सिर्फ माइक्रो का क्वेश्चन ये मिक्स एंड मैच है मतलब जब एमसीक्यू भी आएगा हो सकता है पहले तीन क्वेश्चन मैक्रो के मिल जाए फिर एक माइक्रो का मिले फिर दो मैक्रो के मिल जाए फिर दो माइक्रो के मिले ये कुछ भी फॉर्मेट रहेगा आप बात समझ रहे हैं मेरी क्योंकि अब आपका ये पूरा सिलेबस है बट हैज टू बी डिवाइडेड इन टू क्लियर है बात अच्छा जी सर पहले क्या सॉल्व करना माइक्रो या मैक्रो एक और सवाल रहेगा आपके मन में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरा पेपर क्या बनने वाला है कॉमन तो तुम्हारे को जो पढ़ना है वो तो पूरा का पूरा ही कॉमन पढ़ना है ऐसा नहीं आएगा कि पहले माइक्रो के क्वेश्चन रहेंगे फिर ही मैक्रो के क्वेश्चन रहेंगे ऐसा होने ही नहीं वाला तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है पहले माइक्रो सॉल्व करू कि पहले माइक्रो सॉल्व करू तो अब तुम्हारे को जो अप्रोच रखना है वो ओवरऑल स्टडी का अप्रोच रखना है कि भैया ये, ये एक सब्जेक्ट है हंड्रेड मार्क का इसका अप्रोच किस तरह से रखना है बराबर है अब ये बात पूरी ऑब्वियस है कि इसमें से जो ज्यादा स्कोरिंग होगा वो क्या होगा माइक्रो ये बिल्कुल मतलब सीधी सी बात है बराबर है अच्छा जी सर सर मेरे को एक बात बताइए अब अगर मैं सब्जेक्ट के डिवीजन को क्लियर हूं तो अब मैं आगे बढ़ता हूं सर मेरे को एक बात बताइए <coughs> सर व्हाई वी नीड इकोनॉमिक्स आई मीन हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा मैं आपको बता दूं कुछ चीजें समय बचाने के लिए क्योंकि आपको कंटेंट ज्यादा और क्रिस्प चाहिए तो समय बचाने के लिए कुछ नोट्स मैं ऑलरेडी लिख करके लाऊंगा और मैं यहाँ आपको बोलूंगा एक्सप्लेन करने के बाद कि प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए हम जितना यहाँ लिखेंगे सिर्फ उतना ही हम एग्जाम में पढ़ेंगे ये बात क्लियर रखना राइट अब आपको कितने नोट्स मिलने वाले हैं दो मेजर नोट्स आपको मिलने वाले हैं एक क्लास का नोट्स आपको मिलने वाला है और दूसरा आपको एमसीक्यू बुक मिलने वाला है बराबर है इस एमसीक्यू बुक के अंदर लगभग सो एमसीक्यू अपन ने कवर किए हुए हैं वाला हूँ है। समझ में आ रहा है तो आपका मेरे साथ साथ माइक्रो के साथ साथ उसका एमसीक्यू भी क्या हो जाएगा खत्म क्लियर है ये पॉइंट चलो आ जाओ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में व्हाई वी नीड इकोनॉमिक्स मैं आपको लिखने का टाइम देता हूं डोंट वरी पहले समझ लो वाई फिर इकोनॉमिक्स की जरूरत ही क्यों है पहला क्वेश्चन से मैं ये करके पढ़ा पढ़ा कि आपने economics इसके पहले कभी नहीं पढ़ा? Is that assumption good? Yes? चलो हमें जरूरत ही क्यों है पहली बात तो यहीं से शुरुआत करते हैं देखिए इकोनॉमिक्स की जरूरत हमें बहुत बेसिक रीजन की वजह से है बिकॉज हम हैं कौन एज अ सोसाइटी में हम कौन है human. और human की हमेशा कुछ ना कुछ क्या रही है वांट्स पर इस वांट्स के साथ एक बड़ी डिफिकल्टी आती है वो है रिसोर्सेस लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस अब लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स को कैसे कंप्लीट किया जाए क्योंकि सब कुछ अबेंडेंस में तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं यह yes सुनो no, हमारे पास कई रिसोर्सेस की कमी है और ये रिसोर्सेज की कमी के कारण ही हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है कि कैसे उस लिमिटेड रिसोर्स में भी हम अपनी सारी इच्छाओं को क्या कर सके पूरा समझ मारी बात तो let us give you an example. मान लीजिए आज आपके पास अगर रुपीज है और आपको क्या करना है है भी अच्छे में खाना भी खाना जाना है। आपको एक मूवी भी देखनी है लेट से आपको कुछ देर यू uh, नो you know, uh, कोई एजुकेशनल प्लान भी है एंड कुछ अदर प्लान भी है अब रुपी वन थाउजेंड लिमिटेड है चलो रुपी अगर, अगर अनलिमिटेड है तो आपके पास टाइम लिमिटेड है यानी रिसोर्सेज जो है वो कोई ना कोई हमारे पास क्या है बेटा लिमिटेड ही है यू गेटिंग द पॉइंट तो इस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे हम कंप्लीट करें सो दैट नॉट ऑल वांट कैन बी सेटिस्फाइड बट मैक्सिमम वांट्स कैन बी सैटिस्फाइड हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते बात समझना हर इच्छा पूरी नहीं होती कुछ अधूरी भी रह जाती है हर इच्छा पूरी नहीं होती कुछ अधूरी भी रह जाती है फरवरी का महीना है आपसे बेटर कौन जाने का बात समझना कि हर इच्छा पूरी नहीं होती कुछ अधूरी रह जाती है उन्हें अधूरा ही रहने दो बराबर है पर इस तरह से मैनेज करो कि कमी महसूस ना हो इस तरह से मैनेज करो कि क्या ना हो कमी अब यहां से दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पहला ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड बराबर है अच्छा जी सो so, इकोनॉमिक्स क्या हेल्प कर देगा एंड हु फादर ऑफ इकोनॉमिक्स देन बाबा एडम स्मिथ अब इन्हें फादर क्यों कहा जाता है इकोनॉमिक्स इनने बनाया या ऐसा कुछ किया कि जिससे वर्ल्ड पे इंपैक्ट पड़ा आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स बनाया वेल द आंसर इज नो बराबर है देखिए अब इकोनॉमिक्स से हम थोड़े से हिस्ट्री में जाते हैं अब हिस्ट्री ऐसी कहती है कि अगर मैं भारतीय इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहां के जो राजा थे वो थे चाणक्य इस सब्जेक्ट के जो राजा थे जिसको हम कहते हैं वो थे चाणक्य जिन्होंने अपनी एक हिंदी में बुक लिखी थी उसका नाम था अर्थशास्त्र बराबर है अब इन्होंने या किसी भी जगह के जो वहां पे राजा या मंत्री थे इन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरह से समझा सिर्फ एक किंगडम के लिए या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए राइट इट द एडम स्मिथ सर जिन्होंने फर्स्ट टाइम नेशनल इकोनॉमिक्स की बात करी रादर देन इंडिविजुअल किंगडम की इन्होंने किसकी बात करी नेशनल इकोनॉमिक्स और ये इन्होंने अपनी एक बुक के अंदर में लिखा वो बुक का नाम था बुक का नाम था

उनने ऐसा कुछ बहुत अलग किया जो हमारे बाकी क्रांतिकारियों ने नहीं किया नहीं ऑलमोस्ट सबने अपना हंड्रेड परसेंट दिया इनको क्यों कहा गया क्योंकि इन्होंने नेशन को पूरा का पूरा जोड़ा और सबको उस मास मूवमेंट के साथ जोड़ा रादर देन किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को जोड़ा मेहनत सबने उतनी की राइट सबने किया पर सबको लाना सबको जोड़ना जिसके कारण उनको क्या किया गया फादर कहा गया टिंग पॉइंट तो बस यही टास्क इन्होंने भी किया इन्होंने भी पूरे के पूरे कंसेप्ट को लेकर आया और नेशन के हिसाब से सोचने लगाया राजुअल किंगडम और वन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल आर यू गेटिंग पॉइंट यस सो राइट डाउन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स गिव द हेडिंग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स बराबर है Write down Adam Smith in his book Wealth of Nation. Adam Smith in his book Wealth of Nation published in the year seventeen seventy six. Published in the year 1776, which talks about which talks about national economics and not individual economics. Which talks about national economics and not individual economics. ठीक है अब इसमें एमसीक्यू वाला पॉइंट फादर किसे कहा जा रहा है एडम स्मिथ बुक का नाम क्या है वेल्थ ऑफ नेशन ईयर क्या है 1776 ये तीन स्ट्रेट एमसीक्यू में आ सकते हैं और तीन अलग एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं क्लियर है एक हाईलाइटर अपने साथ रखना जो हाईलाइट वाला पॉइंट है वो हाईलाइट कर देना अब आते हैं फिर से वही पॉइंट अच्छा इन्होंने इकोनॉमिक्स तो ला लिया जरूरत क्या थी इकोनॉमिक्स की वाई वी नीड इकोनॉमिक्स

and resources are scared economics helps in allocating such resource economics helps in allocating such a resource to complete maximum wants <coughs> third point not all wants can be satisfied not all wants can be satisfied but maximum wants can be satisfied maximum wants कैन बी सेटिस्फाइड बराबर चलिए एक और एमसीक्यू जो बहुत बार पूछा गया है ये इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो आया। वी नीड तो समझ गया हाउ दिस वर्ड पर्टिकुलरली अराइव इकोनॉमिक्स इज अ इंडियन वर्ड लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड नन ऑफ अब ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड क्या है इकोनॉमिया विच मीन द लॉ ऑफ हाउस होल्ड आर यू गेटिंग द पॉइंट ये तीन अलग एमसीक्यू यहां पे इंस्टीट्यूट तीन अलग एमसीक्यू बनाता है सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाता था इसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता था क्योंकि हम इसे किसी किंगडम पे अप्लाई करते थे समझ so, में आ रही बात सो नेक्स्ट पॉइंट उसी पैराग्राफ के अंदर में लिखिए उसी पैराग्राफ में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इकोनॉमिक्स arise from a greek word oikonomia which means household till 19th century It was known as Political Economics, and since business is an Economic activity We need economics to decide the functions of business. Greek word economia. वॉज नोन एज पोलिटिकल इकोनॉमी बिजनेस इन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी येस अच्छा अब समझिए इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ब्रॉड है या नैरो है आपके हिसाब से ब्रॉड है या नैरो है नहीं सर बहुत नैरो है अगर हम प्योरली इकोनॉमिक्स की बात करें ठीक है वो हमेशा से न्यू क्लासिकली से नैरो ही मानते आए नैरो क्यों क्योंकि हमारे पास रिसोर्स को क्या कहा गया है लिमिटेड और इस लिमिटेड रिसोर्स को हमें मैक्सिमम चीज पे अप्लाई करना है यानी इसका जो स्कोप है वो हमेशा कैसा रखा गया नैरो बराबर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़े हम माइक्रो के अलावा एक और पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को डेवलप किया दैट वॉज मैक्रो समझ में आ रही बात सो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इसी में चालू रहने दीजिए डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विथ फोकस ऑन यूजिंग relatively scared resource to satisfying wants. It is the domain of neoclassical micro. Micro-economic analysis. So, definition of economics has a narrow focus on using relatively scarce resource to satisfying of wants. It is the domain of neoclassical microeconomics analysis. It is the domain of neoclassical microeconomic analysis. अच्छा बताइए सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे क्या यानी ओनली इकोनॉमिक्स नॉट इकोनॉमिको इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम विल बी टैकल्ड नो हमें मेक श्योर sure करना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रॉब्लम सेटल हो जाए नॉट ऑल प्रॉब्लम विल बी सेटल्ड नहीं तो सब इकोनॉमिक्स पढ़ते देश किसी देश की कोई समस्या ही ना होती ये सर नो सबको सब कुछ भरपूर मिलता सारो की करंसी फिर इक्वल वैल्यू क्यों होनी चाहिए थी अगर अगर ऐसा नहीं है मतलब कुछ इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है और कुछ इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है यस, सो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट एंश्योर ऑल प्रॉब्लम्स Will be tackled, but without doubt, it will help to understand the problem in right perspective. आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता सर हां प्रॉब्लम को राइट परस्पेक्टिव में देखने में जरूर मदद कर सकता है कि इसमें क्या जरूरी है यस yes. चलिए तो अब तक हमने क्या देखा इकोनॉमिक्स का बेस पढ़ा हम लोगों ने आया कहां से है वर्ड कहां से है क्या पढ़ रहे क्यों पढ़ रहे पहले कहां से आया था अब क्या बदल गया है राइट right? अच्छा जी सर हमने कहा कि भैया ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर यहां से हमें और दो वर्ड मिलने चाहिए पहला वांट्स मतलब क्या होता है मतलब wants किस तरह की हमारी और वांट को आखिर करके होता क्या है अंडरस्टैंड कीजिएगा दो बातें पहली बात आर द नीड दैट ह्यूमन रिक्वायर्स चाहते हुए ना चाहते हुए हमको हर चीज चाहिए क्यों चाहिए भैया हम एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सके उसके लिए हमको क्या चाहिए एक सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए जिसके लिए वो जरूरी है आखिर किसी भी वॉन्ट को कंप्लीट करके होगा क्या ये तो बताओ अब जैसे मैं को एक बात बताइए पानी पूरी की अगर मैं बात करूं बराबर है लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है और ऑफन इच्छा भी होती है कि हमें जाना चाहिए खाना भी चाहिए ऐसा उन्होंने जब तक के वो थोड़े से खराब हाथ पानी में मिल करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट ना बने तब तक के उनको मजा नहीं आता बराबर है कि नहीं भैया इसमें और तीखा मिलाओ तो वो थोड़ा सा पसीना वसीना भी मिला देते बराबर है ना ऐसे ही होता होगा ना अब मुझे एक बात बताइए ये पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है हम खाने चले गए और खा भी लिया क्या नया मिल गया उसमें You tell me, कि होता क्या है जवाब दो शायद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पहुंच जाए क्या होता है सर so, सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो मिलने से क्या हो गया सर मन खुश रहता है प्रसन्नता फील होती है ये yes सुनो no? क्या फील होती है प्रसन्नता अंडरस्टैंड यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जब भी हमारी कोई वांट वॉन्ट सेटिस्फाई होती है राइट right? इससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है और इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे क्या कहा जाता है िटी मतलब हमें क्या मिलती है यूटिलिटी अब यहां से दो कंसेप्टराइज होते हैं यहां से दो कंसेप्टराइज होते हैं क्या ये यूटिलिटी को मैं नंबर्स में काउंट कर सकता हूं कुछ याद आ रहा है क्या क्या ये यूटिलिटी को मैं नंबर्स में काउंट कर सकता हूं या ये को मैं नंबर्स में काउंट नहीं कर सकता बेसिकली ह्यूमन की तीन बड़ी जरूरतें हैं बात समझिएगा इकोनॉमिक्स में वांट को मेजरली तीन भागों में तोड़ा गया है पहली है वांट नेसेसिटी बराबर है अब नेसेसिटी में क्या मुझे एक बात बताइए पर्सन टू पर्सन नेसेसिटी सेम रहेगी या पर्सन टू पर्सन नेसेसिटी बदलेगी बदलेगी हो सकता है आपकी जो जरूरत हो वो मेरी ना हो आज के तारीख में पॉसिबल है ना या मैंने वो बहुत पहले ही पूरी कर ली हो ये भी पॉसिबल है ना बराबर है ना आपको आपको ऐसा हो सकता है आप बोले कि मेरे को दिन में भी ये चाहिए दोपहर में भी चाहिए रात में भी चाहिए और मेरा ऐसा हो सकता है मैं नहीं अब मैं बहुत बोर हो गया आप जहां जा रहे हैं, मैंने वहां पहुंचाया नहीं समझ रहे हो ह्यूमन नीड है ना तो अब एक बात समझना है यहां पे, कि नीड जो है ये तो अलग अलग हो गई ये तो फिक्स हो गया ये सोनो आप ढूंढ रहे हो एडवेंचर और मैं ढूंढ रहा हूं पीस समझ आ रही बात आप ढूंढ रहे हो लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहिए समझ आ रहा है अंडरस्टैंड ये दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है तो पहली चीज हो गई नेसेसिटी बट मुझे एक बात बताइए ऐसी कौन सी नेसेसिटी है जो आप और मैं दोनों कॉमनली ढूंढ रहे हैं जो दोनों को जरूरत है पहला रोटी कपड़ा मकान ये तो कॉमन नीड हो गई ना आपकी और मेरी रोटी भी चाहिए कपड़ा भी चाहिए मकान भी चाहिए रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट देखिए समय जैसे जैसे बदलेगा आपकी नेसेसिटी भी वैसी बदलेगी सो पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम नेसेसिटी विल चेंज बराबर है कि नहीं अभी मेरे केस में और तुम्हारे केस में एक और नेसेसिटी में फर्क है जैसे इंटरनेट हम दोनों की नेसेसिटी है आपको इंटरनेट के साथ एक दोस्त भी चाहिए जो लिंक भेजे बराबर ना जो विजय सर के फास्ट ट्रैक के लिंक भेजे मेरे को जरूरत ही नहीं है समझ आ रही बात तो नेसेसिटी भी पर्सन टू पर्सन बदल गई ये हो गया पहला पॉइंट सो पहली चीज हो गई नेसेसिटी जो हम सबको कॉमन चाहिए दूसरी चीज जो हो गई वो हो गए कंफर्ट्स दूसरी चीज़ हो हो गई वो क्या गए? अब इसे मैं ऐसे समझाता आएगा आप बोलोगे भाई सब दोस्त है बिना टिकट के चढ़ जाएंगे मैंने देख लेंगे को क्या तकलीफ है? दे देंगे उसको भी थोड़ा लिटिल लिटिल सब भाई मौज करते हुए जाएंगे अंडरस्टैंड करना अब आप यहां पे क्या ढूंढ रहे हो आप यहाँ पे एडवेंचर ढूंढ रहे नेसेसिटी हम दोनों की हम दोनों को जाना है लेकिन आप रेडी हो वहां पे सेटल होने के लिए या नहीं भी हुआ तो मस्ती करते करते आप खड़े खड़े चले जाएंगे यू नो गेट के पास खड़े रहते हुए चल जाएंगे मैं वो कर पाऊंगा क्या नो मेरे साथ वाइफ रहेगा बच्चा रहेगा मैं वो नहीं कर पाऊंगा मैं बोलूंगा कम्फर्ट मैं क्या बोलूंगा कम्फर्ट अब नीड दोनों की है वही ट्रेन है जा भी वही रही है पर कुछ लोग इसे नेसेसिटी मान करके स्लीपर में चढ़ रहे कुछ कंफर्ट्स देख करके स्लीपर्स एंड एसी में चढ़ रहे समझ में आया और अब इसमें कुछ लोग हैं जो ढूंढ रहे लग्जरी समझ में आ रही बात अपने को प्राइवेट केबिन रूम बंद एसी फर्स्ट टायर अब मुझे एक बात बताइए एक ही ट्रेन डेस्टिनेशन भी एक ही वांट भी एक ही पर तीनों का लेने का तरीका उस नेसेसिटी को ये अलग अलग हुआ कि नहीं किसी के लिए वो बेसिक नेसेसिटी है किसी के लिए वो कंफर्ट है और किसी के लिए वो लग्जरी है समझ में आई बात अच्छा उसको और लग्जरी चाहिए वो क्या कर लेगा फ्लाइट ले लेगा उसको और लग्जरी चाहिए खुद का हेलीकॉप्टर लेके जा उसको और लग्जरी चाहिए भैया खुद का जेट लेके चल जा यानी वांट्स जो है ये भी पर्सन टू पर्सन एंड रिसोर्सेज टू रिसोर्सेज बदल जाएगा बराबर है कि नहीं सो वांट वांट क्या है वांट आर द नीड्स द ह्यूमन किसी भी वांट को सेटिसफाई करके हमको क्या मिलती है तीन पहला दूसरा और तीसरा अच्छा, मुझे एक बात तीनों में एक साथ में हो सकता है क्या आंसर इज नो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ जरा समझिएगा आपने अभी एक नया कैरेक्टर देखा होगा बॉलीवुड में वो है और पांच पांच बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं मैनेजर्स रखने पड़ते हैं बराबर है कि नहीं है राइट उसको दुनिया भर के वो, वो मोबाइल के पीछे क्या लगाते हो कवर्स वो रखने पड़ते हैं उसके लिए ये नेसेसिटी है तुम्हारे लिए वो लग्जरी है उनको बॉडीगार्ड रखना नेसेसिटी है अकेले देख के कोई भी यू you नो know, <laughs> सेल्फी खिंचाने की कोशिश करेगा ऐसे भाई वो आ, वो उसको अकेला देख के कोई भी ऐसा सेल्फी खिंचाने की कोशिश कर सकता है ना उसको बॉडी गार्ड रखना क्या हुआ नेसेसिटी तुमको बॉडी गार्ड की जरूरत है क्या तुम्हारे लिए क्या हो गया लग्जरी समझ में आई बात तुम्हारे लिए क्या हो गया लग्जरी तो वन टू वन पर्सन टू पर्सन भी वो क्या कर जाएगा डिफर कर जाएगा क्लियर है मालिक चलो वॉन्ट्स लिखिए जरा Want are the needs of human to satisfy himself. Want are the needs of human to satisfy himself. By completion of want, we get satisfaction. By completion of want, we get satisfaction. one satisfying power of a commodity is called as utility one satisfying power of a commodity is called as utility Want are of three type नेसेसिटी कंफर्ट्स, लक्जरीज बराबर है अच्छा सर सर बताइए किसी भी वॉन्ट को अगर मुझे सेटिस्फाई करना है तो डोंट यू थिंक मुझे कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी हाँ या ना मुझे कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना अभी लेट से अगर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भी हमारी एक वांट है हमको पानी पूरी खाना है तो अब हमें नेक्स्ट डिसीजन ये भी तो लेना है किसके पास खाना है क्योंकि सबके प्राइस अलग होंगे सबका टेस्ट अलग होगा वहां पहुंचने का मीडियम एंड मैकेनिज्म अलग अलग होगा राइट आपको पानी पूरी पसंद आ रही है पच्चीस किलोमीटर दूर की पर आपके पास गाड़ी भी नहीं है मेट्रो भी नहीं है और मेट्रो में जाने के पैसे भी नहीं है हो सकता है हो पाएगा नहीं यानी आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग मेनली तीन प्रकार की होती है डिसीजन मेकिंग मेनली कितने प्रकार की होती है तीन एनी ये आपका एमसीक्यू है डिसीजन मेकिंग आर ऑफ थ्री टाइप्स ये आपका एमसीक्यू है डैश डिसीजन डैश डिसीजन एंड डैश डिसीजन तो उसी तरीके से बिजनेस में भी कोई भी चीज करने से पहले डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती होगी सो डिसीजन मेकिंग आर ऑफ थ्री टाइप और इसका आंसर आता था एमसीक्यू में ऑल ऑफ दी ये भी बोलता हूं आपको चलो एनी वन हाउसहोल्ड, हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग तीन प्रकार की थी एनी वन पहला स्टैटिस्टिकल डिसीजन दूसरा टैक्टिकल डिसीजन और तीसरा ऑपरेशनल डिसीजन हमें तीन तरह के डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है पहला किसी भी बिजनेस में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है अब ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या हो गई भाई साहब बेटा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग टू बी इन द बिजनेस और नॉट टू बी इन द बिजनेस ये हो गया स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग अमल कमीशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक्विजिशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है न्यू एम्प्लॉय हायर करने है नहीं करने हैं क्या हो गए स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग दूसरे हो गए टेक्टिकल डिसीजन मेकिंगल डिसमल से क्या आएगा हम कितना कंसिडरेशन देंगे उनके तरफ से लाइबिलिटीज कितनी आ रही है हमारा कितना कैश मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाएगा उनके शेयर होल्डर को हमारे शेयर होल्डर के अगेंस्ट में कितना देना ये हो गया टेक्टिकल डिसीजन वन स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज टेकन फिर हो गया टेक्टिकल डिसीजन बराबर है अब टैक्टिकल डिसीजंस के बाद हमें लेने पड़ते हैं ऑपरेशनल डिसीजन अगर उनके एसेट्स हमारे पास आने वाले हैं तो एक बंदा लगाना पड़ेगा जो एसेट्स को उठा करके हमारी कंपनी में लेके आएगा या जो असेट हमारे काम के नहीं उसको अलग करना जो असेट हमारे काम के उसको अडर करना आइडेंटिफाई करना ये होगा ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग समझ में आई बात तो पहले डिसाइड करना गाड़ी लेना है क्या गाड़ी लेना है तो दूसरा डिसीजन में आ जाता कौन सी कंपनी की गाड़ी लेना फिर हमने डिसाइड किया हाँ लगा नहीं, नहीं लगानी हो गया ऑपरेशनल डिसीजन समझ रही बात नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वॉन्ट्स के साथ साथ टू सेटिस्फाई द वॉन्ट ये लिखा नहीं है मैं डिक्टेट कर रहा हूं टू सेटिस्फाई द वॉन्ट अ फर्म टेक अ फर्म टेक थ्री डिसीजन पहला स्टैटिस्टिकल डिशीजन सेकेंड टैक्टिकल डिशीजन स्टैटिस्टिकल डिसीजन दूसरा टैक्टिकल डिसीजन तीसरा ऑपरेशनल डिसीजन तीसरा ऑपरेशनल डिसीजन इज अ डन यो हुई आपके तीन डिसीजन मेकिंग अच्छा

चलिए पहले याद दिलाता हूं आपको रिसोर्सेस कितने हैं बिजनेस के अंदर में देखिए अगर हम रिसोर्सेस की बात करें तो हर बिजनेस के अंदर में पांच मेन रिसोर्सेज है एनी इसे हम पांच एम के नाम से जानते हैं पहला मैन दूसरा मनी तीसरा मशीन चौथा मटेरियल पांचवा मेथड इसको थोड़ा सा इलेबरेट करता हूं मैं मेन मतलब क्या हर बिजनेस में एक प्रॉब्लम होता है राइट मैन एट द राइट प्लेस

कई देश ऐसे है जो आज फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं जिसमें से पहला हो गया श्रीलंका श्रीलंका के बाद दूसरा क्या हो गया पाकिस्तान फाइनेंशियल क्रंच अब मनी नहीं है मस तो बहुत है पैसे भी तो होना ना उस चीज को करने के लिए तीसरा है मशीन जिससे आज एक्चुअली इंडिया पीछे है मशीन अगर देखा जाए तो आज इंडिया का प्रॉब्लम है मशीन एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास लोग हैं हां पैसा भी है बहुत है प्रॉब्लम क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए जैसे बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना हमारे पास मेन बहुत है पटरिया लगाने के लिए मनी भी बहुत है पटरिया लगाने के लिए लेकिन बुलेट ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना बड़े बड़े वैगन होना उस चीज को बनाने के लिए उसके डिजाइन करने के लिए यहाँ तो लोगों को विमल खाना बोलो जुबा केसरी करना है तो भाई तू बुलेट ट्रेन के अंदर में हजारों करोड़ लगाएगा और बाद में उसमें विमल दिखाएगा कोई सेंस बनेगा इस बात में नहीं यहाँ पे मेट्रो बनाया उसके अंदर में ही लोग आड़े तेड़े काम करके रखते आप समझना बात को तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास मशीन टेक्नोलॉजिकली इतने अपग्रेडेड नहीं है अभी हम यस yes, फिर चौथा है मटेरियल राइट कई जगह पे तो मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है अब जैसे अगर हम देखें लक्ष्मद्वीप आइलैंड बराबर है वो नहीं वो जो पिक्चर डाल के वायरल हो गया था हाँ वो वाला वो वाला अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें वो क्यों इतना फेमस नहीं है ब्लू वाटर से तो वो भी गिरा हुआ है पर प्रॉब्लम क्या है वहां पे उतने फूड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है होटल ऑप्शंस उतने अवेलेबल नहीं है आर यू गेटिंग द पॉइंट तो मटेरियल ना होने की वजह से वो उतना डेवलप नहीं हो पा रहा मटेरियल ना होने की वजह से वो उतना डेवलप नहीं हो पा रहा और लास्ट की बात करें अगर मेथड्स कई कंट्रीज को तो पता ही नहीं है उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है मेथड्स क्या अडॉप्ट करनी चाहिए आगे ले जाने के लिए तो अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में भी यही प्रॉब्लम है किसी को लोग अच्छे नहीं मिलते किसी और किसी स्टार्टअप के पास पैसा नहीं है कुछ स्टार्टअप के पास ये दोनों हैं तो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए किसी के पास ये सब है तो मटेरियल नहीं मिल रहा अब जैसे मुझे एक बात बताओ अगर मैं महेंद्र थार की बात करूं हम सबको पता है ये तो बुकिंग बहुत ज्यादा चालू है महेंद्र थार की बराबर है आपको क्या लगता है महेंद्र के पास मैन नहीं है है या नहीं है मनी है मशीन भी है मटेरियल चिप तो ना गाड़ी के लिए गाड़ी में इतना बड़ा डिस्प्ले तो लगा दिया डिस्प्ले चलाने के लिए चिप तो चाहिए चिप ही कहा है इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर चिप चाहिए सेमीकंडक्टर चिप ही नहीं है अब सेमीकंडक्टर चिप बन के आती है चाइना से इसलिए यह गाड़ी डिलीवरी नहीं कर पा रहे और जिसको गाड़ी चाहिए फिर वो एट दी एंड किधर जा रहा किया या तो एम क्योंकि उनकी गाड़ियों में लग के आ रही है वहां से पर इंडियन गाड़ियों के लिए ये कमी हो रही अब मटेरियल इज द इशू फिर आता है मेथड इज द इशू किस तरीके से उसको कंप्लीट किया जाए वो कई लोगों को पता ही नहीं है ये सोनो वो कई लोगों को पता ही नहीं है अभी रिसेंटली सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कैसे एक एक चीज का मतलब अभी मैंने दो दिन पहले ही ये सारी चीज देखी है फ्यूनरल मैनेजमेंट सर्विस नाम का भी एक कंसेप्ट है क्या फ्यूनरल मैनेजमेंट सर्विस अब आपने ये कभी नहीं सुना होगा मैं तो अभी बस देख के आ रहा हूं क्या होता है सर इसमें सर इतना गजब काम है अभी मेरे को ये नहीं पता कि आगे का प्रोसेस कैसा है मतलब आप समझ गए क्या हमारे बड़ों को ये कभी ना कभी पता था अब हमारे को पता ही नहीं इसका आगे का प्रोसेस कैसा है कि मतलब वहां पे करते क्या है क्या लगता क्या नहीं लगता वट कौन कौन सी क्रिया ये वो सब दुनियादारी करनी पड़ती मैथर्ड जी नहीं मानू तो भैया देर इज फ्यूनरल मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे ही हुआ आप उनको कम्युनिकेट कर दो वो आएंगे वो क्या करेंगे सर आपको चार ऑप्शन देंगे ऐसा मेन्यू का सर गोबर में करना है चंदन की लकड़ी में करना है सादी लकड़ी में करना है केरोसिन डाले और खत्म करे बोलो सर ऐसे पैकेज है भे पंडित जी कैटेगरी, फोर स्टार कैटेगरी फाइव स्टार कैटेगरी समझ बात इतने अलग अलग चीजें भाई इसके बाद में भैया लोग हैं तुम्हारे पास दिखाने के लिए कि इसके पास बहुत सारे लोग आने वाले तो उनको भी हम लेके आए ज्यादा रोने वाले चाहिए कम रोने वाले चाहिए अबे ये सर्विस है इट्स अ डैम बिजनेस मैं देख के परेशान हूं फिर आपको जो मटेरियल चाहिए सर मटेरियल किस कैटेगरी का चाहिए सब कुछ ए कैटेगरी का चाहिए बी कैटेगरी का चाहिए सी कैटेगरी का चाहिए इसके बाद आप आओगे ओके सर अब आपको खाना लगेगा अगले बारह दिन ये बोलो खाने के अंदर में मेन्यू नंबर वन कैटेगरी मेन्यू नंबर टू कैटेगरी मेन्यू नंबर थ्री कैटेगरी लाइक क्या अब वो एक बिजनेस क्यों बना पाए या एक बिजनेस मॉडल को क्यू डेवलप कर पाए इस बात को बड़े ध्यान से सुनना बिकॉज पीपल डो नॉट नो द मेथड्स अब जहां, पता ही नहीं है यहाँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई अब आपको देख करके आप तो कर, सर चंदन में भी तीन कैटेगरी है सर हमारे पास एक जो पूरा दिखेगा एक जो बारीक पाउडर में आएगा एक जो थोड़ा थोड़ा दिखेगा थोड़ा थोड़ा पाउडर में आएगा आप बोल रहे हो भाई मैं क्या करूं मैं मतलब कोई गया है मैं उस पर फोकस करू? या मैं इस पर फोकस करूं ये भी एक सर्विस होती है ब्रो तो अंडरस्टैंड कीजिएगा ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम्स है जिसके कारण ये अराइज हो रहा है पॉइंट आज हम बोल रहे हैं कि हमें 36 किलोमीटर का रोड बनाना है पर डे का टारगेट अगर 2027 तक के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत आगे होना है तो अब 37 सेवन किलोमीटर पर डे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेथड्स तो पता हो ना हर तरीके के रोड एक जैसे नहीं है हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है सो so, रिसोर्सेज में हमारे पास कितने बिट बेटा पांच राइट डाउन फाइव रिसोर्सेस मेन मनी मशीन मटेरियल, मेथड्स Is that done? CS. Yes. अच्छा जी सर सर बढ़ते हैं आगे इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है इकोनॉमी नहीं हम बात कर रहे इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है इट right? और इससे भी पहले हमने अभी रिसेंटली एक वर्ड पढ़ के आए किसी भी वांट को सेटिस्फाई करके हमें क्या मिलती है यूटिलिटी नाउ व्हाट इज यूटिलिटी यूटिलिटी इज द वांट सेटिस पावर ऑफ अ कमोडिटी किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके हमको जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिला इकोनॉमिक्स में हम उसको क्या बोलते हैं बोले जल्दी से यूटिलिटी क्या यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक ही चीज है आंसर इज no. नो ये तो मल्टीपल टाइम एमसीक्यू में पूछा गया है इज यूटिलिटी इक्वल टू यूजफुलनेस द आंसर इज नो पूछो कैसे सर कई चीजें यूजफुल नहीं है बट फिर भी आप को उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है दो तीन तो खुद इमेजिन कीजिए यूजफुल है क्या नहीं बट सेटिस्फैक्शन मिलता है पहला एग्जाम्पल मुझे एक सोच समझ के बताइए जो लोग सिगरेट कंज्यूम्स कर रहे हैं या जो लोग लिकर कंज्यूम कर रहे हैं या गांजा कंज्यूम कर रहे हैं आपके हिसाब से ये कोई यूजफुल चीज है नहीं पर सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा जो इसे कंज्यूम कर रहा होगा हां तो अगर आप देखेंगे इट इज नॉट अबाउट इज इट यूजफुल और नॉट इट इज अबाउट इज इट सैटिस्फाइंग घर में कभी देखा है जो एक ओल्ड जेंट्स या लेडीज होंगे वो रोज रात में सोने से पहले बाम लगा रहे हैं कभी देखा है आपने क्या लॉजिक इट इज नॉट अबाउट यूजफुलनेस इट इज अबाउट सेटिस्फैक्शन ज अबाउट सेटिसफैक्शन तो कुछ अच्छा आपने कभी अलग अलग चीजें अलग अलग पैटर्न है आप सिर्फ एग्जाम्पल्स देखते जाइए इट इज नॉट अबाउट यूजफुलनेस इट इज अबाउट ये होना ही चाहिए आज जब आप किसी भी ऑफिस में जाते हो तो देखते हो वहां पे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर करना जरूरी है अच्छी लाइटिंग वगैरह होना एक ए होना तब हम उसको एक डिसेंट ऑफिस मानते हैं साल भर एसी की जरूरत है क्या साल भर तो एसी की जरूरत ही नहीं है पर साल ए लगा हुआ है इट इज नॉट अबाउट यूजफुलनेस इट इज अबाउट यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन ये सो नो राइट तो इट इज नॉट अबाउट अब आपके घर पर घड़ी लगी हुई है कितनी देर देखते हैं अपन अच्छा मुझे एक बात बताओ हमारे हाथ में घड़ी है पर जेन्युनली हमारा जो जनरेशन है यह हाथ में टाइम दे करा है ग्यारह मिनट वॉक किया स्ट्रेट वो तुरंत चालू करके बंद करा वाई बिकॉज इट इज नॉट अबाउट स इट इज अबाउट सेटिस्फैक्शन अच्छा जिन्होंने मेरे को तो असली मजा उन लोगों की आती है जिनने एप्पल की वॉच ली कुछ क्यों? भाई एक लाख रुपए की वॉच ली है इस आदमी ने के लिए बीपी मेजर करना है हार्ट रेट मेजर करना है क्या मेजर करना है हार्ट रेट एजिफ तेरा कम ही हो जाएगा लेके रखिए और मुझे एक बात बताओ जेन्यनली कितने लोग इसमें के सारे फंक्शन यूज भी कर रहे होंगे हार्डली फू जो बहुत जेन्यूनली हेल्थ फ्री के बाकी दूसरे तो लेके रखे हैं किसी के सामने जबरते हाँ भाई आवाज नहीं आ रही रुक फोन कर रो अंडरस्टैंड कीजिए इट इज नॉट अबाउट यूजफुलनेस इट इज अबाउट सेटिस्फैक्शन अच्छा यूटिलिटी का मतलब क्या हम फिर सीधे सीधे सेटिसफैक्शन कह सकते आंसर इज नो यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सैटिस्फैक्शन नॉट सेफैक्शन क्या चीज बेटा यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड अब यह एंटीसिपेटेड क्यों देखिए कई बार जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस प्रोडक्ट को बाहर के कवरेज और उसके एडवर्टीज के कारण खरीदते हैं जब तक हमने उसको एक्चुअली कंज्यूम नहीं किया हमें पता चलेगा क्या कि वो सेटिस्फाइंग है है ये सुनो घड़ी खुद कहता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करे तो हो सकता है कई प्रोडक्ट आपको देखने से बात बहुत, बहुत अच्छे से पैक किया हुआ बहुत अच्छे से दिख रहा है सजावट है सब सब बराबर है ओरिजिनली बाद में समझ में आए ओरिजिनली आपको बाद में समझ में आए कि यार मजा नहीं आया तो कई प्रोडक्ट ऐसे है रहते हैं जिसको आप लेते हो अब जैसे लेस का एक बड़ा पैकेट जो आपको एक्साम्पल समझना है क्या समझना है लेस का एक बड़ा पैकेट आपने लिया उसके अंदर कितने चिप्स निकलेंगे आपके हिसाब से हार्डली पंद्रह से बीस पैकेट इतना बड़ा हार्डली पंद्रह से बीस चिप्स आपने यूटिलिटी के लिए लिया था कि आपको क्या मिलेगा सेटिस्फैक्शन बट आपने पैकेट को देखते ही समझ लिया क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं उसको यूज करने के बाद समझ में आएगा so हम, हम उसको ही क्या कहेंगे अब हम इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को समझाते हैं यूटिलिटी को हम दो तरीके से समझते हैं अगर आपको सेटिसफेक्शन मिला है तो एक आप उसे मेजर कर सकते हो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है आप उसे मेजर नहीं कर सकते कुछ लोग कहते हैं यूटिलिटी एक कार्डिनल अप्रोच है यूटिलिटी कैसा अप्रोच है बेटा कार्डिनल कार्डिनल का मतलब आप इस यूटिलिटी को कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके मेरे को कितना मिला मैं नंबर्स में बता सकता हूं अंडरस्टैंड कीजिएगा आई इन मलेशिया मैंने ये कैलकुलेटर देखा बड़ा क्यूट सा कैलकुलेटर है बराबर है बहुत ही क्यूट है मतलब देखते ही प्यार हो जाए हाँ मैंने ये लिया मेरे को कुछ काम नहीं कैलकुलेटर का मैं आपको जेन्यनली बता रहा कुछ काम नहीं और अपना वो ब्लैक कलर का वो कैल्ट्रिक्स वाला वो तो है ही ये देखा कि पसंद आ गया कलर बिल्कुल लड़कों के लिए नहीं है आप बात समझ रहे हैं पर्सनालिटी कोई सूट नहीं कर रहा समझ में आ रही बात बट इट्स नॉट अबाउट थिंग इट इज नॉट अबाउट सेटिस्फैक्शन इट इज अबाउट एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन फिर मेरे को मैंने उससे जाके पूछा भैया कितने का है उसने मेरे को एक अमाउंट बताया ने ले लिया खत्म हो गया विषय अब अंडरस्टैंड करना मेरे को सेटिस्फैक्शन तो मिल गया अब आपने मेरे को पूछा सर लेके कैसा लगा आपको ये कैलकुलेटर समझ में रही बात आपने मेरे को पूछा सर लेके कैसा लगा बोला भाई बहुत अच्छा नहीं नहीं सर बहुत नहीं कितना अच्छा नहीं अच्छा लगा मतलब आई एम आई एम वेरी हैप्पी आई टेक द रिजन कितना अच्छा लगा मतलब अगर मैं लेना चाहूं क्योंकि देखिए हम ह्यूमंस की एक आदत होती है जब भी हम कोई वैल्यू पे करते हैं हम उसको इमीडिएट कंपेयर करते हैं इज इट वैल्यू फॉर मनी चलिए एक बोली लगाइए मैं आपको इसका और डिटेल में बताता हूँ आपके हिसाब से चलिए आज मैं इसे बेच रहा हूं यार सौ रुपया देगा हाँ देख क्या मारेगा बोल तेरे हिसाब से कितना होना चाहिए 500 एनी कोई ऊपर की बोली 500 के ऊपर की 600 600 एक 700 700 हाँ 700 700 एक 750 750 से एक आठ सौ बहुत बढ़िया साहब आप इस देश के नए हाँ हजार एनी वन हजार 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 तक आ गया भैया अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसे ढाई हजार में परचेज किया है कुछ लोग मेरे को पता है क्या कहेंगे अरे झंडू दस कैलकुलेटर आते थे ढाई हजार में बात समझना मेरी बराबर है मैंने तो झंडू बहुत सही वर्ड बोला हाँ, बोलते थे, थे, थे बराबर है अब अंडरस्टैंड कीजिए द मोमेंट मैंने आपको ढाई हजार बोला आपने तुरंत इमेजिन किया इज इट वर्थ फॉर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और नॉट मतलब हम जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल काउंट कर रहे हैं वो मनी से काउंट कर रहे हैं और इसीलिए एक नया एमसीक्यू बना डैश इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी बात समझ में आ रही है मनी मेजरिंग रॉड है द मूवमेंट मैंने आपसे कहा ढाई हजार रुपए का लेकर क्या है आप बोले गजब आदमी हो सर गजब है ना दूसरे नहीं भर पा रहे टैक्स आप चला रहे आईफोन प्रो मैक्स आ एक नंबर चीज बनाई बोले सर ढाई हजार तो मतलब सर आपको उसने <laughs> बेवकूफ बना दिया देखिए अब मैं आपको बोलूं वन फिफ्टी रुपीस विदाउट एनी वारंटी अब देखिए आपका परसेप्शन सेम प्रोडक्ट के बारे में चेंज हो गया समझ में बात डेढ़ सौ मैंने अगर बोला आप क्या बोलोगे तुरंत तीन सौ कैश पकड़ और दे इधर <laughs> समझ में डबल दे रहा हूं साले। मैं क्या बोलूंगा मलेशिया आने जाने का टिकट का क्या तू प्रोडक्ट प्राइस दे रहा है ना मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो लगी है इसके पीछे इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं इम्प्लीसिट कॉस्ट भी देखते हैं वापस मलेशिया जाने का कॉस्ट मेरे लिए इम्प्लीसिट कॉस्ट बन जाएगा ना उसमें अब अंडरस्टैंड कीजिएगा यानी कुछ लोग इसे मनी टर्म्स में मेजर करना चाहते हैं और कुछ ऐसे थे जैसे मेरे एक भाई ने एक जन ने हजार हजार ना हाँ ठीक हजार वो आदमी ये नहीं सोच रहा है कि हजार इसका वर्थ है या नहीं है वो आदमी सिंपल सी बात देख रहा है मेरे को ये पसंद आया क्या अब वो कितने का है ये बात का मैटर है बात समझना वो एक कहावत है दिलाया तो परी क्या चीज है फिर उसमें ये नहीं देखा जाता is it worth or not? <laughs> उसमें ये नहीं देखा जाता नॉट उसमें सिर्फ एक चीज देखा जाता है मंगता आई I मीन mean, अपना शादी इसके साथ मंगता बाद में देखते बैठेंगे क्या भांडन करने का है झगड़ने का है स्वभाव कैसा है वो बाद में की बात है अंडरस्टैंड करिएगा एक स्कूल ऑफ थॉट था मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी वेर इन यू कंपेयर द दिन इज इक्वल टू मनी द अनादर स्कूल ऑफ थॉट इज जो एक जन ने लगाया इट नॉट अबाउट मनी इट इज अबाउट मेरे को पसंद आया मैंने लेके आया खत्म बात मेरे को पसंद आया मैंने लेके आया खत्म बात तो मेरे साथ जो हुआ ये था दूसरा अप्रोच इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच इट वॉज नॉट अबाउट मनी विथ मी मैंने देखा मैंने बोला ऐसी चीज भारत में मिल रही नहीं मैंने एटलीस्ट इतने हजारों बच्चों में कभी नहीं देखी कुछ तो मेरे पास यूनिक चाहिए मंगता तो अपन गए उस पूछा नहीं उससे प्राइस कितना है इसको बाजू कर आदमी नहीं तो क्या करता उठाता ये क्या कलर है पेस्टल कलर सूट करेगा क्या इट वॉज नॉट अबाउट सूट मैच दिस दिस दैट दैट पसंद आया आई अप्लाइड द ऑर्डिनल दिनल्ट ऑफ यूटिलिटी वेर आई डू नॉट अप्लाइड सैटिस्फैक्शन इज इक्वल टू मनी द अनादर इज

टोटल यूटिलिटी आइए पहले यूटिलिटी लिखना चालू करिए याद रखें अब तक हमने इकोनॉमिक्स चालू किया नहीं इकोनॉमिक्स में जो अलग अलग वर्ड यूज होते हैं हम सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे यूटिलिटी इज द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी Utility is not equal to usefulness. Utility is equal to anti. Anticipated satisfaction. Utility is equal to anticipated satisfaction. एक्चुअल सैटिस्फैक्शन इज सैटिस्फैक्शन यूटिलिटी के कितने पार्ट है दो मेजरेबल कांड बी मेजर्ड मेजरेबल है तो हम उसे क्या कहते हैं इन कार्डिनल नंबर्स कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी किसने लाया बोलो जल्दी से एल्फ्रेड मार्शल किसने लाया बोलो बेटा एल्फ्रेड मार्शल और ऑर्डिनल अप्रोच किसने लेके आया इज दिस डन एल्फर्ड मार्शल ने एक कंसेप्ट निकाला जिसे हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जबकि हिक्स एंड एलन ने अपना एक कंसेप्ट निकाला यूटिलिटी को लेके जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनडिफरेंस कर ठीक है अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ही हमें और दो कंसेप्ट मिलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी यस yes, कुछ कंसेप्ट याद आ रहा है सभी लोगों को वट इज मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रोडक्ट कंज्यूम करके जो यूटिलिटी आती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रोडक्ट कंज्यूम करके जो यूटिलिटी आती है उसको हम क्या कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड सम ऑफ ऑल समार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी समझ मारी बात सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी अच्छा मुझे एक बात बताओ ऐसा मैं बोल सकता हूं मार्जिनल यूटिलिटी इज द डिफरेंस इन टोटल यूटिलिटी वो भी तो मैं बोल सकता हूं ना मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला ऐसा हो सकता है, है। चलिए अब इसको समझाने के लिए सपोज एक सीजन आ रहा है एक फ्रूट का एनी वन बराबर आंबे आपके घर पे पहली पेटी आई सुगंध भी काफी अच्छी आ रही है आपने पहला आम खाया हम अभी रफली डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी आपने पहला मैंगो खाया आपको 20 का यूटिलिटी मिला आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा 20 अब जब आप दूसरा मैंगो खाएंगे भूख उतनी होगी या पहले से थोड़ी सी कम हो चुकी होगी बट फिर भी पूरी कम नहीं हुई होगी बिकॉज इट्स आम अब दूसरे में आपको पंद्रह की यूटिलिटी मिली एक एडिशनल प्रोडक्ट कंज्यूम करके अब हमें यहां पे देखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जा रही है क्यों क्योंकि हमारी पहली जितनी नीड थी अब उतनी नीड नहीं बची अब मुझे बताइए टोटल यूटिलिटी फिर इंक्रीज हो गई क्या टू थर्टी फाइव हमने तीसरा आम खाया अब हमें बारह की यूटिलिटी मिली अब बताइए टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई फोर्टी सेवन बराबर है चौथे केस में मुझे अब सिर्फ छ की यूटिलिटी मिली अब कितना हो गया 53, मैंने पांचवा आम भी खा लिया बराबर। इसमें मेरे को कोई यूटिलिटी नहीं मिली स्टिल माय टोटल यूटिलिटी विल बी जीरो मस्ती मस्ती में, में मेरे मामा आए भांजे मेरे हाथ से नहीं खाएगा तू मामा ने इतना ही प्यार बचपन से देखो पाल पोस के बड़ा किया तो ऐसा करेगा एक तो अरे कुछ नहीं खा तो सरी। छटवा अपन ने कर दी उल्टी <laughs> क्या है हद से ज्यादा भी हो जाए तो वो बेहद हो जाता है ना कोई भी चीज एक हद से ज्यादा अच्छी नहीं लगती चाहे वो फूड हो या प्यार बात समझ ना अब मेरी ओवरऑल यूटिलिटी डाउन हो गई अब अगर आप देखेंगे थ्रू आउट मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या जा रही थी डाउन जहां मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई वहां मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच गई सीखने को क्या मिला मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव जीरो और निगेटिव बात समझ आ रही है सभी को हाँ या ना राइट मार्जिनल यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये टोटल यूटिलिटी एट एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी एट एन माइनस वन भी फॉर्मूला बन सकता है इसका इसे कुछ ऐसे समझिए टोटल यूटिलिटी एट एन यूनिट वॉज थर्टी फाइव टोटल यूटिलिटी एन एन माइनस वन इज ट्वेंटी तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना होना चाहिए था सो डिफरेंस इन टोटल यूटिलिटी डिफरेंस इन टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी भी बोल सकता हूं मैं बराबर है ना इसको ऐसा बोला तो भी चलेगा क्या जरा सोच के बताना डिफरेंस इसको बोलते चेंज इसको क्या कहा जाता है चेंज मैथ्स में आप इसे डेल्टा भी कहते हो यस yes? तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी अब मार्जिनल यूटिलिटी के लिए कितने एमसीक्यू बन गए तीन समझ में आ रही बात ये मार्जिनल यूटिलिटी की अब व्हाट इज टोटल यूटिलिटी अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूं टोटल यूटिलिटी या तो पॉजिटिव रह सकती है या तो जीरो हो सकती है मैक्स टू मैक्स वो कभी निगेटिव नहीं जा पाएगी बराबर है अच्छा मैथ्स में ही अगर लिखना चाहूं समीशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मतलब इसी को ऐसा भी पूछा जा सकता है बराबर है कि नहीं है इसी एमसीक्यू को ऐसा भी पूछा जा सकता है अब आप मुझे बताइए टोटल यूटिलिटी जो है राइट right, ये अपवर्ड ही मूव हो रही है टोटल यूटिलिटी कहां जा रही है अपवर्ड और व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती तो टोटल यूटिलिटी पे आ जाती डिमिनिशिंग समझ में आया टेबल और टेबल का इंफरफ्रेंस मतलब अगर मुझे सोच समझ के बताइए दो वी आर वेरी अर्ली अब तक हमने इकोनॉमिक्स चालू नहीं किया ये सारे कंसेप्ट हम वापस पढ़ेंगे डोंट वरी आज और कल का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है आपको इकोनॉमिक्स में यूज होने वाले सारे वर्ड से मैं रूबरी कराऊ फिर हम टॉपिक चालू करेंगे ठीक है अब अगर मैं इसी को ग्राफ पे डाल दू अब ग्राफ की कुछ बातें पहले समझ लीजिए नीचे जनरली क्वांटिटी डिमांडेड होता है इधर जनरली क्या होता है प्राइस और ऐसा खुद ग्राफ बनाने के लिए हमारी बुक में लिखा है ऑन दी एक्स देर विल बी क्वांटिटी एंड ऑन दी वाई एक्सेस देर विल बी प्राइस अब अगर मैं इस बात को कंपेयर करूं तो डोंट यू थिंक माई मार्जिनल यूटिलिटी वुड बी गोइंग डाउन रादर इट वुड गो बियॉन्ड एक्स एक्सेस एज वेल बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव जीरो और निगेटिव यही मेरी जो टोटल यूटिलिटी रहती इट गोज अप और एक पॉइंट आएगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी वहां टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी मैक्सिमम और उसके बाद मेरी टोटल यूटिलिटी कहां जाना चालू हो जाएगी डाउन डिमिनिशिंग यानी डोंट यू थिंक जो यूटिलिटी कर्व होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग डाउन टोटल यूटिलिटी इज गोइंग अप वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो मैक्सिमम इसे एक और इस पॉइंट को एनी वन कौन सा पॉइंट कहा जाता है बिल्कुल सही जवाब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या कहा जाता है बोले जल्दी से पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्लियर है आ जाओ बहुत आगे की चीज है पहले लिखो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी और आज का काम खत्म utility derived by consuming a product it is denoted by mu Sum of all marginal utility. Is that done? <coughs> Is that done, brother? से यस दट इट विल स्टॉप यूर एंड विल कंटिन्यू टुमारो आज हमने क्या की पढ़ा इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री पढ़ा इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ा वॉन्ट वर्ड पढ़ा यूटिलिटी वर्ड पढ़ा क्लियर है रिसोर्सेस वर्ड पढ़ा सी यू टूमारो एट द सेम टाइम बायल वच्चो